तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप जानना चाहेंगे यहाँ क्या चल रहा था, यू नो कुरान खानी चल रही थी, थोड़ा बताना चाहेंगे क्या होगा? जब कबीर घर नहीं आते हैं अपने और सीधा काजी साहब के घर चले जाते हैं और अब्बू कशान भाई जब उससे मिलने जाते हैं तो पूछते कि तुम अपने घर क्यों नहीं आए, तुम यहाँ क्यों आ गए एक साल बाद? तो कबीर बोलता है कि वो तो हमें इमरान मिल गया, ज़ारा की बरसी की कुरान खानी रखी गई है तो मैं यहाँ आ गया। तो उसे कुछ समझ नहीं आता रुखसार को कि कैसे इसको घर लाया जाए, क्या हो रहा है, कहाँ था। तो वो अब्बू को देखकर बोलते कि हाँ वो तो हमने अपने घर पर भी रखी है ना, वो आपको याद है? तो उसी की दावत देने हम आए थे, सबको आना है। तो ऐसे करके वो सबको बुला लेती है अपने घर। यहाँ कभी आए तो हैं, बड़े इमोशनल हो चुके हैं और उन्होंने आज कुछ रिवील भी किया कुछ ज़ारा को लेकर कुछ। जो ज़ारा है तो वो रिवील करता है कि ये जो लड़की है इसको मैं पहले से जानता हूँ और इसके पीछे कुछ गुंडे थे जो आज भी इसके पीछे हैं। तो उसके बारे में कुछ बताता है कि यू नो आप लोगों को पता नहीं है पर मैं इसे पहले से जानता हूँ, मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ। तो वो सबके लिए शॉकिंग होता है। ये सबके लिए बहुत शॉकिंग था कि कबीर एक साल बाद अपने घर आया और अपने घर से चल दिया। तो जब वो जा रहा होता तो रुखसार उसे रोकती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा घर तो ये है, तुम छोड़कर कहाँ जा रहे हो? फिर वो बोलता है कि मेरा कोई घर नहीं है, मैं जहाँ से आया हूँ वहीं पर वापस चला जाऊँगा। फिर बच्चों से रोकती हैं, कशान भाई उसे रोकते हैं, अमान आता है, अमान मनाता है और कबीर इमोशनल हो जाता है और रुक जाता है। थैंक यू सो मच, वेलकम। कितना